الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ دو جمعے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اس وقت مسلسل تفسیر بیان نہیں ہوئی. آج پھر وہاں سے شروع کر رہا ہوں جس آیت سے یہ سلسلہ رکا تھا. کافروں کو کہا گیا کہ ان کے دل غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی فریاد کرنے لگے، کہا جائے گا آج فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے تمہاری مدد
नहीं होगी। यहां से पता चला वो लोग जो ईमान वाले नहीं उनकी मदद नहीं होगी, ईमान वालों की मदद होगी। और वो बड़े जो दुनिया में ओदा माल अपने रुतबे के लिहाज से वडेरे अमीर या जो भी शुमार होते हैं, जिन्होंने बुराई को नाफरमानी को फैलाने में खर्च किया, असर रसूख जोर दिखाया, जब उनकी पकड़ होगी तो उनके चेले खुशामदें करते होंगे। और ऐसे लोगों का अंजाम ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि वो दूसरों की भी बुराई का सबब बने। यहां से मालूम हुआ जो नेकी सिखाएगा वो फायदे में रहेगा, जो बुराई में मदद करेगा वो हमेशा घाटे में रहता है, उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है बेशक मेरी आयतें तुम पर पढ़ी जाती थीं, तो तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे पलटते थे और कहते थे कि जी हम मक्का में रहते हैं, काबे की खिदमत करते हैं, तो खिदमत हरम पर बड़ाई मारते हो। क्या करते थे? रात को वहां सारी रात बेहुदा कहानियां बकते थे और हक को छोड़े हुए थे। हक कबूल करने की बजाय गप्पे मारना बातें करना तुम्हारा मामूल था। क्या उन्होंने बात को सोचा नहीं, या उनके पास वो आया जो उनके बाप दादा के पास नहीं आया था, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना तो वो उसे बेगाना समझ रहे हैं। पहली बात, कोई शख्स कोई पेशा कोई काम अपनाता है, पेशा इंसान को जलील नहीं करता, इंसान पेशे को जलील करता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी मुकद्दस बाबरकत जगह पर बदअकीदा का रहना, बुरे अकीदे वाले का रहना उसको मुफीद नहीं है। और ईमान वाला अगर वहां रहता है और अदब नहीं करता तो उसको भी कोई फायदा नहीं। मस्जिदे अल्लाह का घर और खाना काबा तो अल्लाह का खास घर, वहां जाकर दुनिया की बातें करना, कहानियां इधर उधर की, ये कुरान में बता दिया गया कि ये काफिरों का तरीका था। और उनको कहा गया, एक तरफ तो कहते हो हम हरम की खिदमत करते हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा हाल ये है और हक को तुम छोड़े हुए हो। तो आज भी मैं बहुत दर्द से ये बात कर रहा हूं, मस्जिदों में आए समझदार लोग भी अपने टेलीफोन बंद नहीं करते, पता नहीं क्या तकलीफ है। वो समझते हैं कि मस्जिद कोई चीज नहीं है, बस टेलीफोन जारी रहना चाहिए, घंटियां बजें, मौसीकी बजे। काबतुल्ला में फोन उठाए हुए तवाफ कर रहे हैं, दुनिया से बातें कर रहे हैं, रोज़े रसूल पर हुजूर की जालियों को पीठ करके फोटो बना रहे, मवाजा शरीफ में खड़े हुए लोगों से कह रहे हैं मैं यहां खड़ा हूं। तो आपने अगर दुनिया से ही राबता रखना है तो वहां गए क्यों हैं? जब आप मस्जिद से निकले आप बात कर लें, जिसको करनी है जितनी करनी है।
ये जो बेअदबी है ये हमारी कितनी मेहनतों को बर्बाद करती है हमें इसका अंदाजा नहीं है। और किसी को कुछ कहो तो कहते हैं जी अजीब आदमी हो। अब ये चीज बनी है, सहूलत है, क्या हो गया अगर हमने मस्जिद में बात कर ली। इस पर उलमा ने हदीसें एक जगह जमा कर दी हैं कि मस्जिद में दुनिया की बात करना 40 साल की इबादत को जाया कर देता है। हम में से कौन बचा हुआ है? परवाह नहीं है। हम लोग इस मामले में लापरवाह। ये जो सामने बात कर रहे हैं इनको कहो दूर जाए, लगे हुए हैं टेलीफोन पे। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला मुहम्मद व अला आली सय्यिदना व अला मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल। ये होती है अंदर के एहसास की बात। आपको कितना एहसास है, तरबियत कैसी हुई है, मिजाज आपने कैसा बनाया है, अल्लाह से डरते हैं नहीं डरते? सीधी सी बात है, नहीं डरते। तो मौलवी डराते हैं, अल्लाह तो बड़ा करीम है, ये बातें आगे से सुनने को मिलती। मिजाज है। आपको मोतकिफ के सेवा, आपको पता है मस्जिद में पानी पीना, खाना, लेटना जायज नहीं है। इसीलिए बाहर लिख के लगाया जाता है कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले पढ़ लिया करो नवई तो सुन्नत अल एतिकाफ। उर्दू में कह लो मैं एतिकाफ सुन्नत की नियत करता हूं। मस्जिद में आया है कोई शख्स, उसने एतिकाफ किया है, सुन्नत एतिकाफ या रमदान में जो आप करते हैं सुन्नत मुअक्कदा, उसमें भी दुनिया की बात करने की इजाजत नहीं, मगर हमें कोई परवाह नहीं। आप शायद समझते हैं कि ये चीज पकड़ में नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा ना, ये जो लापरवाही है ये ज्यादा पकड़ वाली चीज, एहसास का ना होना। उनको कहा गया कि तुम हरम में रहकर कहते हो हम हरम की खिदमत करते हैं और सारी रात हरम में बैठ के बातें क्या करते हो, बेहुदा कहानियां, और हक को छोड़े हुए हो। कुरान नहीं पढ़ना, दीन की बातें नहीं करना, कहानियां, और वो भी बेहुदा। उनको क्या सोचना चाहिए था, तुमसे पहले भी दुनिया में नबी आए और उनके दीन लोगों तक पहुंचे, फिर तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ताज्जुब क्यों है? इनसे पहले क्या नबी नहीं आए? उनकी बातें तुमने नहीं सुनी? तुम्हारे बाप दादा तुम्हें बताते नहीं रहे? आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ताज्जुब करते हो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रहे हो। निशानियां तुम्हें सुनाई गई थी, तुमने पहचाना है, मगर फिर भी नहीं मान रहे, तो ये जिद नहीं है, ये तो और क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ, हुजूर की खूबियां आपकी नबूवत पर दलील है, और आप नूर की तरह सब पर जाहिर हैं। सूरज निकला हो सबको पता होता है या नहीं होता?
सूरज निकला हुआ, आपने पर्दे ताने हैं वो तब भी मौजूद है, सुई के नाके के बराबर नहीं, सुई की नोक के बराबर भी सुराख हो वो उससे भी अपनी रोशनी पहुंचा देता। तुम अपने ऊपर गफलत के, नाफरमानी के जितने मर्जी खोल चढ़ा लो, तुम इनकार कर सकते नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस्तेफामे इनकारी अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, क्या तुमने रसूल को नहीं पहचाना? तुम समझ रहे हो कि नहीं ये कोई और है? अम यकूलूना बिही जिन्ना, या कहते हैं इन्हें तो कोई असर है, सौदा है, इनका दिमागी हालत ऐसी, माअज़ल्लाह। बल जाअहुम बिलहक व अक्सरुहुम लिलहक कारिहून, बल्कि वो उनके पास हक लाए और उनमें अक्सर को हक बुरा लगता है। सच्ची बात हर एक को पसंद नहीं। वला वित्तबाल हक अहवा अहुम लफसदत समावातु वल अर्दु व मन फीहिन, और अगर हक इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करता तो जरूर आसमान और जमीन और जो कोई उनमें है सब तबाह हो जाते। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून, बल्कि हम तो इनके पास वो चीज लाए जिसमें इनकी नामवरी थी, तो वो अपनी इज्जत से ही मुंह फेरे हुए। कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह दीवाना, पागल माअज़ल्लाह कहना चाहा, क्योंकि उन्हें हक और सच पसंद नहीं। तो हक लाने वाले भी पसंद नहीं। हक से मुराद यहां मुफसरीन फरमाते हैं या इस्लाम है, या कुरान, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबियां। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा हक है, आपकी हर अदा हक है, आपका हर कलाम, ऊंची कहिएगा, ये अपने जेन में नक्श कर लें। आज इसके बारे में आपके जेनों में शक डाला जा रहा है। लोग कह देते हैं ज़ईफ हदीस है, इस हदीस की सनद क्या है, बस कुरान को मानो, हदीस को रहने दो, हदीस में शुबा है। मैं इसके कई मर्तबा आपको जवाब दे चुका हूं। कुरान से और हदीस से लोग कहते हैं दलील, फौरन कोई बात करो कहां है कुरान हदीस में है, वो आगे से हदीस सुनाए तो कहता है क्या बुखारी में है, तो क्या सारी हदीसें सिर्फ बुखारी में, बाकी हदीसें कहां जाएंगी? ये बात वो करे कि कौन सी हदीस है, जिसको हदीस का इल्म आता हो, और जिसको हदीस का इल्म आता नहीं उसको इतनी बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग पूछते हैं क्या कुरान में है, तो कुरान में है या नहीं, ये भी बात वो करे जो कुरान को समझता हो। अल्लाह ताला ने जो कलाम नाजिल फरमाया है,
मैंने आपको बताया इसकी तफसीरें 600-600 जिल्दों में लिखने वालों ने भी यही कहा कि हक अदा नहीं हो सका। वो अरबी बोलते थे काफिर जो वहां रहते थे मक्का मुकर्रमा में, उनकी जबान भी अरबी थी। उनको कहा गया कि अगर तुम ये समझते हो कि ये इंसान का कलाम है तो तुम्हें भी तो अरबी आती है, बना लाओ इस जैसा। बना सके? कुरान ने कह दिया तुम कर भी नहीं सकते, तुमसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आजिज कर देने वाला कलाम है, कोई गुंजाइश नहीं कि बंदा इस जैसा कह सके। वो लोग जो आज ये कहते हैं कुरान में दिखाओ, तो तुम्हें कैसे पता है कि कुरान में बयान कैसे होता है, मसला कैसे निकलता है? तर्जमा कर सकते हो, तफसीर कर सकते हो, नासिख मनसूख पहचानते हो, ग्रामर आती है, सीगे आते हैं, माने कैसे बनते हैं, इल्मुल कुरान उसूल तफसीर जानते हो? नहीं, कुरान में कहां लिखा है? तो तुम्हें समझना अगर नहीं आता तो किसी आलिम से समझो। बाजार में मेडिकल साइंस की किताबें मौजूद हैं या नहीं? कॉलेज में जाने की फीसें भरने की कोई जरूरत नहीं, किताबें लें वहां से और पढ़ें, और पढ़ने के बाद खुद ही दवा तजवीज कर लें। ये जो 500-500 एक विजिट के डॉक्टर को देने पड़ते हैं, कोई 1000 लेता है, कोई 2000 ले